हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 127 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 8 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास सेकंड के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक है मेरी प्यारी गुल्लक। एक मोहल्ले के सभी लोगों ने मिलकर गेट के पास एक सैनिटाइजर डिस्पेंसर लगाने का सोचा। सभी लोगों ने इसके लिए पैसे इकट्ठे किए तो बच्चों ने भी पैसे देने का निश्चय किया। तो बच्चों, एक मोहल्ले के सभी लोगों ने सोचा कि हम गेट के पास एक सैनिटाइजर डिस्पेंसर रखेंगे, तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि हम पैसों को इकट्ठा करेंगे। लेकिन बच्चों ने भी उसमें पैसे देने का निश्चय किया तो सभी बच्चे दौड़कर अपने अपने घर गए। उन्होंने अपनी अपनी गुल्लक खोली और उसमें रखे पैसों को गिनने लगे। तो सबसे पहले प्रिया ने अपनी गुल्लक खोली। उसकी गुल्लक में 10 रुपये के 3 नोट थे और 1 रुपये के 2 सिक्के थे। उसने उन्हें गिना और कहा, मेरे पास 32 रुपये हैं। आपको पता है बच्चों, सभी की गुल्लक में सिर्फ 10 रुपये के नोट और 1 रुपये के सिक्के ही जमा थे। तो आइए देखते हैं कि किसकी गुल्लक से कितने कितने पैसे निकले। नीचे दी गई तालिका में हर बच्चे की गुल्लक से निकले 10 के नोट और 1 के सिक्के बने हुए हैं। हर बच्चे की गुल्लक से कितने रुपये निकले पता लगा कर लिखिए। तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि हर बच्चे की गुल्लक में 10 के नोट और 1 के सिक्के ही थे, तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि हर बच्चे की गुल्लक से कितने नोट और कितने सिक्के निकले वो यहाँ पर बने हुए हैं। तो आइए हम उन्हें गिनकर पता लगाते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे प्रिया के गुल्लक में। तो प्रिया के गुल्लक में 10 रुपये के कितने नोट निकले? 1, 2, 3। बताइए कितने नोट निकले? 3 नोट निकले। तो इसका मतलब कितने रुपए हुए? 10, 20, 30। कितने रुपए हुए? 30 रुपए। ठीक है, इसी तरह से प्रिया की गुल्लक में 1 रुपए के कितने सिक्के निकले? 1, 2। तो कितने रुपए हुए? 2 रुपए हुए। तो इसका मतलब कि कुल मिलाकर कितने रुपए हुए? 30 रुपए प्लस 2 रुपए, तो ये हुए 32 रुपए। अब हम देखेंगे कि सुरेश की गुल्लक से कितने 10 रुपये के नोट निकले और कितने 1 रुपये के सिक्के। आइए देखते हैं। तो सुरेश की गुल्लक से निकले 10 रुपये के 2 नोट, 1, 2। कितने रुपए हुए? 20 रुपये। कितने रुपए हुए? 20 रुपये। कैसे? 10 और 10, 20 रुपये। ठीक है बच्चों, आइए अब देखते हैं कि सुरेश की गुल्लक से कितने 1 रुपये के सिक्के निकले। 1, 2, 3, 4, 5। तो कितने सिक्के हुए? 5 सिक्के, यानी कि 5 रुपये। तो बताइए कि कुल मिलाकर गुल्लक में कितने रुपए थे? 20 जमा 5 कितने हुए? 25 रुपये हुए। ठीक है बच्चों, इसे आप इस तरह से भी जोड़कर लिख सकते हैं, 25 रुपये। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि मोना की गुल्लक से कितने पैसे निकले। तो मोना की गुल्लक में 10 रुपये के नोट हैं, 1। इसका मतलब कितने रुपए हुए? 10 रुपये। लेकिन मोना की गुल्लक में 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? आइए देखते हैं, 1, 2, 3। 3 सिक्के हैं, तो इसका मतलब कितने रुपए हुए? 1, 2, 3। 3 रुपये हुए। ठीक है, तो 10 रुपये जमा 3 रुपये कितने रुपये हुए? 10 जमा 3, तो ये हुए 13 रुपये। कितने रुपये हुए? 13 रुपये हुए। ठीक है बच्चों, ऐसे ही राधा की गुल्लक से निकले 10 रुपये के 2 नोट, 1, 2। तो कितने रुपये हुए? 20 रुपये। और कितने सिक्के निकले आइए देखते हैं, 1, 2,
तीन, चार। तो 10 रुपए के 2 नोट और 1 रुपए के 4 सिक्के। तो 1 रुपए के 4 सिक्के मतलब 4 रुपए। तो कुल मिलाकर कितने रुपए हुए? 20 जमा में 4 कितना होगा? 24 रुपए। कितने हुए? 24 रुपए। इसी तरह से शमीम के गुल्लक में 10 रुपए के कितने नोट है, आइए देखते हैं। 1, 2, 3, 4। तो इसका मतलब कितने रुपए हुए? 10, 20, 30, 40। कितने रुपए हुए? 40 रुपए। और सिक्के कितने हैं 1 रुपए के? 1, 2, 3। 3 सिक्के हैं, तो इसका मतलब कि 3 रुपए। तो बताइए कुल मिलाकर कितने रुपए हुए? 40 जमा में 3 रुपए। तो ये हुए 43 रुपए, यानी कि 43 रुपीस। ठीक है बच्चों, आपने गुल्लक के रुपयों का पता कैसे लगाया? अपना ऑडियो या वीडियो द्वारा आप अपने टीचर को बता सकते हैं। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।